पार्लर के महंगे महंगे केराटीन स्मूथनिंग ट्रीटमेंट करवाना भूल जाएंगे अगर आपने घर के बने इस DIY क्रीम को यूज़ कर लिया। हफ्ते में एक बार आपने यूज़ कर लिया ना, तो एक बार में ही आपको 100% इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके बाल बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल शाइनी ग्लॉसी स्ट्रेट नज़र आने लगेंगे। ये एक घर की बनी DIY केराटीन क्रीम है, जिसे अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है ये रेमेडी। सो मेरे कहने पे आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए और ज़रूर लगाइए। दोस्तों, जो अलसी के बीज हैं, इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि ये तो हमारे सेहत से जुड़ी कई सारे प्रॉब्लम्स को दूर करता है। बहुत सारे इसमें कुछ प्रॉपर्टीज, ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। और जब ये हमारे हेल्थ के लिए हैं तो हमारे बालों के लिए तो होंगे ही ना। इसमें इतनी सारी गुड प्रॉपर्टीज है कि ये आपके बालों का झड़ना रोकती है, आपके बालों को ग्रोथ को प्रमोट करती है, साथ ही आपके बालों को एक नेचुरल शाइन प्रोवाइड करती है, आपके बालों को नेचुरली स्ट्रेट करती है। अगर आपको बिलीव ना हो तो एक बार आप इसे बनाइए, एक बार ट्राई करिए और फिर देखिएगा आपके बालों में क्या मैजिक होता है। सो इसे यहाँ पे मैं बनाने के लिए ली हूँ 4 से 5 चम्मच फ्लैक्सीड अलसी के बीज और उसे अच्छे से क्लीन कर ली थी। देन एक पैन में 1 ग्लास पानी में इसे पका रही हूँ। मैं 1 ग्लास पानी ही ली थी और जब एकदम ना इसे लो फ्लेम पे पकाना है, धीमी आंच पे, और जब ये पक जाएगा तो इसे फ्लेम को आप बंद कर दीजिए। जब ये आधा हो जाएगा तो आपको इस तरीके से हल्का, जब गर्म रहेगा ना तो ही आपको इसे स्ट्रेन कर लेना है। आप चाहे तो छननी की हेल्प से भी छान सकते हैं इसे। मैं इसे कपड़े से इस तरीके से कर रही हूँ, ये तो काफ़ी इजी हो जाता है इसके जेल को निकालना। दोस्तों, ये जो जेल है ना, काफ़ी कमाल का है, बहुत ही ज़्यादा गुड प्रॉपर्टीज़ भरा है। मतलब मैं इसे एक बार यूज़ की और मुझे काफ़ी ज़्यादा इतना ज़्यादा पसंद आया ना कि मैं मतलब क्या ही बोलूँ। मेरे बाल पहले काफ़ी ज़्यादा वेवी से थे, अभी मैं पिक्चर में लगा दूँगी, आप देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा वेवी थे और बहुत ज़्यादा झड़ते भी थे। और मैंने सिर्फ 2 से 3 बार इस ट्रीटमेंट को, या फिर आप कह सकते हैं इस DIY केराटिन क्रीम को यूज़ किया, जिसके बाद ना मेरे बाल नेचुरली स्ट्रेट हो गए हैं। जबकि मैं दिन भर अपने घर में बालों को बांध के ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं ओपन करती हूँ तो बालों में वेव बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है, बाल बिल्कुल स्ट्रेट ही दिखते हैं। तो एक बार आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना ही आपको इसे बनाने में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या फिर तामझाम करना है। सो बस हेयर वॉश जब आपको करना हो, 2 घंटे पहले इसे बना लीजिए और इसे लगा लीजिए, काफ़ी आपको पसंद आएगा ये। सो दोस्तों, जेल को निकालने के बाद आपको लेना है 2 स्पून कॉर्न स्टार्च। अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च नहीं है तो यहाँ पे आप कॉर्न फ्लोर भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 स्पून ली हूँ और ये भी ना हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप सब देखते होंगे कि कॉर्न फ्लोर जो है वो मक्के के आटे का बना होता है और जो कि हमारे सेहत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो देन मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल के एक घोल बना ले रही हूँ। फिर एक पैन में इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे मतलब बनाना है। इसे आप चलाते रहिएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी पकड़ लेता है। तो आप इसे जब चलाते रहेंगे तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई सा। हम लोग मिश्रण बनाए हैं कॉर्न स्टार्च का। 2 चम्मच आपको इस जेल में मिक्स करना है। मिक्स करते रहिए इसे, ये जल्दी मिक्स होने में तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं इसे मिक्स कर रही थी लेकिन फिर भी ये हो नहीं रहा था। तो देन मैं इसे एक मिक्सर ग्राइंडर में ऐड की और इसे अच्छे से ग्राइंड कर दी। और साथ ही मैं इसमें ऐड की थी 1 स्पून कैस्टर ऑयल। इन तीनों चीज़ों को आपको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है और ये आपका केराटीन मास्क बनकर रेडी हो जाएगा, जिसे आप हर कोई यूज कर सकता है, जेंट्स है या फिर लेडीज, या फिर आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, आराम से इसे यूज करिए। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आने वाला है। अगर से आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए ना, तो आप इसे यूज करने से पहले अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए, देन इसे यूज़ करिए, काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेगा। अगर से आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिजी से हैं, तो आप हफ्ते में 2 बार भी इसे यूज कर सकते हैं। 1 महीने में आप 3 से 4 बार इसे यूज करिए,
आपके बालों की जो ड्राइनेस है, आपके बालों की जो फ्रिजनेस है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर से आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे या फिर आपको इसका थोड़ा सा भी फ़ायदा मिलता है, आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे कुछ नई नई चीज़ें बनाना और लगाना अच्छा लगता है, आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है। नई नई चीज़ों को ट्राई करने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, मैं हर चीज़ ट्राई करती हूँ और जो अच्छा होता है, जिसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये आपके बालों को सिर्फ स्ट्रेट ही नहीं करेगा दोस्तों, ये आपके बालों का झड़ना भी बंद करेगा। जी हाँ, अगर से आपके बाल झड़ते हैं ना, तो वो भी बंद हो जाएगा। और इसे लगाने के लिए ना, आप अपने पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से अप्लाई करिए, बालों की अपने स्कैल्प में भी अच्छे से अप्लाई करिए, लेंथ में अप्लाई करिए, 2 घंटे छोड़ दीजिए, देन माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।